जय माँ काल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ में आप लोग की, जी हाँ सीआरपीएफ सिलीगुड़ी में आप लोग की जो टीचर की वैकेंसी निकल के आई है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को आप लोग लास्ट देखेंगे। सीआरपीएफ की वेबसाइट है, सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मॉन्टेसरी स्कूल सीजी सीआरपीएफ सिलीगुड़ी में आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, क्या है ये वैकेंसी, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को आप लोग लास्ट देखेंगे। तो ये आप लोग का नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए, इसमें आप लोग को विज्ञापन में बताया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा बताया गया है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक केरीपुसी, जी हाँ सीआरपीएफ सिलीगुड़ी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आप लोग का मेल, ठीक है। ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ सिलीगुड़ी द्वारा संचालित मॉन्टेसरी स्कूल, जी हाँ सीआरपीएफ सिलीगुड़ी द्वारा संचालित मॉन्टेसरी स्कूल शैक्षिक वर्ष 2024-25 हेतु पूर्ण रूप से अस्थायी अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियुक्ति करना। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग की जो सीआरपीएफ सिलीगुड़ी द्वारा जो भी मॉन्टेसरी स्कूल चलाया जाता है, ठीक है, उसमें 2024-25 के लिए अस्थायी, यानी कि आप लोग परमानेंट नहीं है, अस्थायी है आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों की नियुक्ति आप लोग की जा रही है। तो क्या है वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, सिलीगुड़ी जी आप लोग की पश्चिम बंगाल में आप लोग का ये पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग की जो वैकेंसी है प्रधान अध्यापिका, जी हाँ प्रधान अध्यापिका महिला की आप लोग की जरूरत है। यहाँ पे पदों की संख्या एक है, जिसमें कि आप लोग को 12,000 प्रति माह आप लोग को सैलरी मिलने वाली है और 25 से 45 साल तक आप लोग की एज है, तो आप लोग फॉर्म को मीन्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से नर्सरी प्रशिक्षण डिप्लोमा के साथ स्नातक, यानी कि आप लोगों ने किसी मान्यता प्राप्त किसी संस्था से नर्सरी प्रशिक्षण में डिप्लोमा कर रखा है और साथ में आप लोगों ने स्नातक कर रखा है, तो आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट वरीयता दी जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा आप लोगों ने जेबीटी प्रशिक्षित स्नातक या फिर प्रशिक्षित स्नातकोत्तर कर रखी है, तो आप लोग को दूसरी वरीयता यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट प्रीफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने नर्सरी डिप्लोमा और स्नातक कर रखा है, या और जिन्होंने जेबीटी प्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातकोत्तर कर रखा है उन्हें दूसरी वरीयता दी जाएगी। तो यदि ये पहुंचते हैं तो उन्हें फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ये नहीं पहुंचते तो इन्हें यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 5 वर्ष की आप लोगों ने यहाँ पे अनुभव हो, जी हाँ पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 5 साल का अनुभव, 5 साल का शैक्षिक अनुभव आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अध्यापिका महिला की 8 वैकेंसी निकल के आ रही है, जी हाँ अध्यापिका के लिए, टीचर के लिए तो यहाँ पे आप लोग की 10,000 आप लोग की सैलरी है, जो कि 21 से 40 साल आप लोग की एज है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। जी हाँ, किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्था से नर्सरी प्रशिक्षित डिप्लोमा के साथ स्नातक, यानी कि आप लोगों ने जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सरी प्रशिक्षण में डिप्लोमा ले रखा है, साथ में स्नातक है, तो आप लोग को फर्स्ट वरीयता दी जाएगी। ये नहीं है तो आप लोग जेबीटी प्रशिक्षित स्नातक या फिर प्रशिक्षित स्नातकोत्तर हैं तो आप लोग को यहाँ पे दूसरी वैधता दी जाएगी। तो यही यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो डिप्लोमा नर्सरी डिप्लोमा प्लस स्नातक या फिर जेबीटी प्रशिक्षित स्नातक या फिर प्रशिक्षित स्नातकोत्तर दूसरी वैधता, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग क्लियर कर दूं, आया की जरूरत है महिला 7 वैकेंसी, 8,000 रुपए आप लोग को सैलरी मिलने वाली, 18 से 45 साल एज है, जिसमें की 5वीं कक्षा उत्तीर्ण या अनुभव आया को वरीयता दी जाएगी। तो 5वीं कक्षा पास है आप लोग या फिर आप लोग के पास अनुभव है तो आप लोग को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, आप लोग सेलेक्ट कर ले जाएंगे। छुट्टी की पात्रता आप लोग को बताएगी, मैं इंग्लिश में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। प्रधान अध्यापिका आया, यानी कि जो भी आप लोग की प्रिंसिपल टीचर और आया की जो वैकेंसी है, स्वीकार्य राजपत्रित अवकाश के अलावा, यानी कि जो भी राजपत्रित जो भी अवकाश वगैरह मिलते हैं सरकारी, ठीक है, उसके अलावा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद आप लोगों को नीचे बताया गया नियुक्ति, यहाँ पे प्रधान अध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल टीचर और आया की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी संविदा के आधार पर, ध्यान रखिएगा बिल्कुल अस्थायी है, आप लोग फिक्स नहीं है, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जा रहा है 11 माह की अवधि के लिए, सिर्फ और सिर्फ 11 माह की अवधि, जैसा कि आप लोग को सेशन यहाँ पे बताया गया था 2024-25 का जो सेशन है
मॉन्टेसरी स्कूल जो कि सीआरपीएफ सिलीगुड़ी के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। जी हाँ, 11 माह की अवधि के लिए आप लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा, तत्पश्चात उनकी सेवाएं यहाँ पे समाप्त कर दी जाएंगी। उन्हें अपनी सेवा के नियमीकरण का किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करना होगा, यानी कि आप लोग रेगुलर होने का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 11 माह के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आगे क्या होगा नहीं होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को 11 माह के लिए रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। आवेदन की विधि आप लोग को बता दी गई है, इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 20 फरवरी 2024, यानी कि 20 फरवरी 2024 को 9 बजे आप लोग को पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र केंद्र सीआरपीएफ ग्राम कावाखली पोस्ट श्रुतु नगर, ठीक है, सिलीगुड़ी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो आप लोग का जो एड्रेस दिया गया है सीआरपीएफ ग्राम कावाखली पोस्ट श्रुतु नगर सिलीगुड़ी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में सभी मूल शैक्षिक एवं उनकी फोटो। तो जो भी आप लोग की शैक्षिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, नर्सरी डिप्लोमा हो या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो जो भी आप लोग की शैक्षिक योग्यता यानी कि 10th 12th वगैरह पूरी डिटेल आप लोग को लेकर के जानी पड़ेगी। ओरिजिनल और फोटो कॉपी, 3 पासपोर्ट फोटो सहित उम्मीदवार को, तो यहाँ पे आप लोग को 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाना होगा और वॉक इन इंटरव्यू, तो वहां पे आप लोग का इंटरव्यू होगा। जी, इंटरव्यू के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। परीक्षा में आप भाग लेने के लिए समय पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू सहित चयन, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू आप लोग का है के लिए आप लोग को समय पर आ सकते हैं। इस ग्रुप केंद्र द्वारा उम्मीदवारों को कोई DAT आप लोग को नहीं दिया जाएगा, बोर्डिंग और लॉजिंग शुल्क प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार का कोई शुल्क आप लोग को नहीं दिया जाएगा आने जाने के लिए ठहरने के लिए। विज्ञापन सीआरपीएफ की वेबसाइट पे डाल दिया गया। तो देखिए मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर दूं, यहाँ पे 3 वैकेंसी निकल के आ रही है 3 पोस्टों पे, यानी कि आप लोग प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए, आया के लिए प्रिंसिपल की 1 वैकेंसी है, टीचर की 8 है, आया की 7 वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जी हाँ, 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 11 माह तक आप लोग को सैलरी दी जाएगी इस प्रकार से। टीचर को 12,000 मीन्स प्रिंसिपल को 12,000, टीचर को 10,000 और जो आया है उनको 8,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की जानकारी दे दी गई है, एजुकेशन मैंने आप लोग को बता दी गई है। जी यहाँ पे आप लोगों ने एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है या फिर आप लोगों का नर्सरी डिप्लोमा वगैरह है या फिर आया के लिए 5वीं या एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को मीन्स वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आप लोग का डायरेक्ट इंटरव्यू जो कि 20 फरवरी 2024 में होने वाला है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, ध्यान रखिएगा श्रुतु नगर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग आप लोग को पहुंचना होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोग की ये वैकेंसी है। यदि आप लोग आसपास हैं, आसपास की ही हैं और जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, एज आप लोग की 21 से 25 से 45, 21 से 40 और 18 से 45 है। आया के लिए आप लोग की एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे हो सकती है 11 माह के लिए बिल्कुल, और आगे क्या करना है नहीं करना ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके जॉब के बाद, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग को बताएगा, इंग्लिश में देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है, ग्रेजुएट विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने, तो आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा या फिर आप लोगों को JBT या फिर आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट है या फिर ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट है टीचर है ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप लोग को सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है तो जिन इनमें से कुछ भी आप लोगों ने कर रखा है तो वहां पे आप लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा, लेकिन आप लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। और 5 ईयर का यहाँ पे आप लोगों को टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया, टीचर के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। आप लोग ग्रेजुएट विथ नर्सरी डिप्लोमा कर रखा है या फिर आप लोगों ने JBT है या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट है या फिर ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल के लिए यहाँ पे ओनली और ओनली 5वीं क्लास मांगा गया या फिर आप लोग 5वीं पास भी नहीं है, आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वैकेंसी सीआरपीएफ में निकली थी स्कूल में, जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को दे दी गई है, एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आप लोग को दिया है। जी हाँ, आप लोग को इंटरव्यू के लिए पहुंचना है जब भी आप लोग को 20 फरवरी 2024 को बुलाया गया। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जान से पहले आप लोगों से कहेंगे चैनल को लाइक बटन को जरूर दबाता है, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।